नागपुर शहर में भगवान श्री सत्य साई का 96वां जन्मदिन उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। भगवान श्री सत्य साई का 96वां जन्मदिन नागपुर में उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। नागपुर शहर के ओमकार नगर स्थित साई संकल्प में ये जन्मदिन मनाया गया। शहर में सुबह से विविध जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साई संकल्प की ओर से वानर डोंगरी और सत्य साई स्कूल में पादुका पूजन और भजन का कार्यक्रम किया गया। इसके साथ ही शाम को ओमकार नगर स्थित साई संकल्प कार्यालय में पादुका पूजन और भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सकाळी आपलं पाच ते सहा नगरसंकीर्तन होते, त्यानंतर पादुका पूजन होते आणि नंतर वानाडोंगरीला आपलं भजन होतं आणि तिथंसुद्धा वानाडोंगरी ग्रामीण सेवा केंद्रात भजन आणि पादुका पूजन होतं। त्यानंतर आपला सत्यसाई आपलं स्कूल आहे नरसाळात, तिथं आपलं नारायण सेवा आणि तिथंसुद्धा भजन होतं। आणि आज संध्याकाळचा जो कार्यक्रम आहे तो 6 वाजेपासून 8:30 वाजेपर्यंत इथे राहणार आहे। साईराम, सर्व रूपा धरम शांतम, सर्व नामा धरम शिवम, सच्चिदानंदा धरम अद्वैतम, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान श्री सत्य साई बाबा 23 नवंबर 1926 में भगवान ने साक्षात अवतार लिया और आज भगवान का 96वां जन्मदिन है। पूरे विश्व भर में मेरे ख्याल से 212 देशों में एक साथ ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और सारी हमारी जो गतिविधियां हैं श्री सत्य साई सेवा संगठन की वो 3 विभाग में चलती हैं। एक है आध्यात्मिक विभाग, दूसरा है सेवा विभाग और तीसरा है शिक्षा विभाग। और आध्यात्मिक विभाग में सारे सत्संग, सारा स्वाध्याय, प्रवचन, अनेक अनेक ग्रंथों पर उसका विवेचन होता है और भगवान ने जो अथाह लिटरेचर अपना साहित्य दिया है, क्योंकि वो साक्षात परमेश्वर थे तो जो उनका जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो सबके लिए अनुकरणीय है। और भगवान बाबा ने एक ही संदेश प्रेम का दिया है, वो यही बोलते हैं कि हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लव ऑल, सर्व ऑल। मैं अगर इसको 4 लाइन में, कविता के लाइन में अगर मैं इसको ये करूँ तो यही कहना चाहूँगा कि जीवन की मांग प्रेम है, प्रेम ही प्रभु स्वभाव, प्रेम से महकती आध्यात्मिकता और प्रेम ही है जीवन की वास्तविकता। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।